textbook, and we completed notebook work like hard words, unscrambled words, and question answers. Okay, so today we are going to do some exercises in worksheet and some work. Okay, so please open your worksheet and put there today's date. So which date is today? 18/6/21. Okay, this is today's date. So वर्कशीट पे भी आपको इंडेक्स मेंटेन करना है. मैंने पहले ही बोला था, लाइक वहाँ पे चैप्टर लिखा है, सीरियल नंबर भी लिखा है, तो आपको सिर्फ आपका जो आज लिखेंगे उसका डेट आपको मेंशन करना है. ओके, सो दिस इज वर्कशीट. ओके, तो वर्कशीट में हमने चैप्टर 3, ये PA1 का वर्कशीट है आपका. ओके, सो हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, तो पेज नंबर 10, चैप्टर 3, एनिमल्स दैट हेल्प्स अस. ओके, सो आज हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा आपको लिखने में, तो आप मेरे साथ ही स्टार्ट करेंगे लिखना. ओके, तो लिखने के बाद आपका होमवर्क क्या रहेगा? लर्निंग. ओके, सो यहाँ पे मैं क्यों आप मेरे साथ लिख रहे हो, ताकि आपकी राइटिंग फिनिश हो जाए यहीं पे क्लास वर्क में. तो आपको होमवर्क में क्या करेंगे, जो हमने आज करवाया है उसको आप लर्न करेंगे. ओके, सो लर्निंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो ओनली राइटिंग रीडिंग नहीं है. ओके, तो जब मैं ये वर्कशीट में कराती हूँ तो मेरे साथ कीजिए, और उसके बाद आप इसको लर्न कीजिए एज अ होमवर्क. ओके ओके, दिस चैप्टर चैप्टर 3 animals that helps us. Okay, this is chapter name. So this means chapter name हम कितने सीखे, how animals us, animals helps us, animals helps us in many ways. Some animals gives us milk, some animals gives us meat, some animals gives us leather, and some animals carry load for us. इतना हमने इस चैप्टर में जाना था. इवन हमने डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में भी जाने थे, है ना. सो डोमेस्टिक एनिमल्स ऐसे रहते हैं, फिर पेट एनिमल्स के हमने जाने थे. सो पेट एनिमल्स सबका फेवरेट रहता है, डॉग, है ना. सो पेट एनिमल्स में डॉग, कैट, रैबिट एंड पैरट था. सो सबका मोस्टली फेवरेट डॉग ही रहता है ना. सो डॉग को ही ज्यादा पालते हैं, है ना. सो फर्स्ट डे 1 का है, आज डे 1 है. सो फिल इन द ब्लैंक्स. सो वी आर डूइंग एक्सरसाइज A, फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, दिस इज अवर एक्सरसाइज नेम. व्हाट इज दैट? फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट. ओके, सो फर्स्ट वन इज वी ड्रिंक. वी ड्रिंक ब्लैंक to grow. So any guesses what answer will come? Any guesses, children? We drink blank to grow. Is it water? No. Juice? No. So answer will come milk. Okay, so milk mein calcium rehta hai. क्या रहता है? कैल्शियम रहता है. तो वी ड्रिंक मिल्क टू ग्रो एंड बी हेल्दी. ओके, क्या हमारी बॉडी को मिल्क की क्यों जरूरत है? बिकॉज मिल्क के अंदर कैल्शियम रहता है. तो कैल्शियम क्या करता है हमारे शरीर को, जो हमारे बोन्स रहते हैं, सो बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें मिल्क की जरूरत है, कैल्शियम की जरूरत है. ओके, हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स है, लाइक मसल्स, बोन्स, इंटरनल ऑर्गन्स,
एक्सटर्नल ऑर्गन्स, तो उसके लिए अलग अलग फूड चाहिए हमारे बॉडी को, लाइक वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, विटामिन डी, ऐसे बहुत सारे हैं. ओके, जब आप थर्ड में जाएंगे तो ये सब आप जानेंगे. ओके, इवन हमारे चैप्टर में भी, हमारे बुक में है बोन्स एंड मसल्स, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो वी ड्रिंक मिल्क टू ग्रो. ओके, सो लेट्स मूव टू सेकेंड वन. We do not drink
कैल्शियम की मात्रा रहती है. तो सेकेंड वन इज फॉल्स. ओके सो नेक्स्ट मूव टू थर्ड वन. ओके एनिमल्स cool.
क्वेश्चन एंड आंसर्स वहां लिखना है आपको. ओके सो आई हैव नो प्लेस हियर. ओके सो आई विल राइट हियर. ओके ऑन अपस्टेयर्स. कंप्लीट कीजिए.